हमारे पापा बहुत तकलीफ में हैं। उनकी तकलीफ देखे तो हम आकर रोना आता कभी कभी। हमारे पापा की हेल्प करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत तकलीफ में है पापा। उनकी उन्हें चल नहीं सकते और क्या जा कमा नहीं सकते, उन्हें अकेले थे हमारे घर में कमाने वाले, अब कोई भी नहीं है, तो आप लोग हमारी हेल्प करिए। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे पापा है, मम्मा है और ये दो मेरे छोटे भाइया हैं। हमारे हम लोग 5 ईयर से बहुत परेशान हैं। हमारे पापा को थोड़ा हिप्स का प्रॉब्लम था, अब पहले उनको किडनी का प्रॉब्लम था, वो किडनी की गोली खाने से उनको थोड़ा हिप्स का प्रॉब्लम आ गया। वो हिप्स प्रॉब्लम आने से पापा चल नहीं सकते, काम को जा नहीं सकते, तो उसकी वजह से हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है और हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं 5 ईयर्स से। हम ना तीनों भाई बहन भी स्कूल को नहीं जा सक रहे, बहुत बहुत परेशान हैं। पापा को जितना भी ट्रीटमेंट कराना था 5 ईयर्स तक कराए, मम्मा पापा बहुत स्ट्रगल करे, मम्मा का पूरा सोना बेच दिए, सब कर दिए, सब खत्म हो गया। इसके बाद हम आप लोगों से हेल्प की गुजारिश कर रहे, हमारे को हेल्प करो, हम बहुत परेशान हैं और हमारे पापा कमा नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। पापा कभी कभी अपने आप में रो लेते, हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं कर सके बोल के, हमारी हेल्प करिए। हमारे पापा बहुत तकलीफ में हैं, उनकी तकलीफ देखे तो हम आकर रोना आता कभी कभी। हमारे पापा की हेल्प करिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। हमारे पापा को चलने नहीं आता कभी कभी, हम लोग पूरे मिलके पापा को सपोर्ट करके चलाते हैं। उनको बहुत तकलीफ में है पापा, उनको हॉस्पिटल में बताए तो सर्जरी कराना है, बल्कि बोले सर्जरी का 5 लाख खर्चा है, पहले किडनियों का ट्रीटमेंट कराए उसकी वजह से बहुत पैसे खर्चा हो गए, उसमें अभी ट्रीटमेंट कराने के वास्ते पैसे नहीं हैं। तो अब हम लोग आपसे हेल्प कर रहे हैं, हमारे पापा की बहुत तबीयत ख़राब रह रही है, उन्होंने 15 डेज से गोलियां भी नहीं खाए, घर में पैसे नहीं हैं और वो 5 लाख का खर्चा बहुत एक वो है। आप लोगों से हेल्प कर रहे हैं, हम आप लोगों से हेल्प मांग रहे, थोड़ा हमारी हेल्प करिए। हमारे पापा बहुत तकलीफ में हैं, उनको 5 लाख का ट्रीटमेंट कराने का है, पहले अभी एक पैर का करो बोले, फिर बाद में दूसरे पैर का भी कराने का है, बहुत तकलीफ में है पापा। उनकी उन्हें चल नहीं सकते और जा कमा नहीं सकते, उन्होंने अकेले थे हमारे घर में कमाने वाले, अब कोई भी नहीं है, तो आप लोग हमारी हेल्प करिए। बच्ची है, ये बड़ी बच्ची है, वो दो बच्चे हैं मेरे, ये शोहर है, उनका किडनी का प्रॉब्लम है 5 साल से, चलते चलते अब हिप्स का प्रॉब्लम भी आ गया। गांधी हॉस्पिटल में 1 महीना थी मैं, वहाँ पर इलाज हो जाएगा बोल के वहाँ पर आस लगा के गई थी, वहाँ पर भी नहीं हो रहा। हार्ट प्रॉब्लम बोले उनको, हार्ट प्रॉब्लम बोलने से फिर दूसरे हॉस्पिटल में बताए, ठीक है बोले ऑपरेशन करना है मेरे शोहर के लिए हिप्स का, वहाँ पर पैसे नहीं है मेरे पास। अब लास्ट मोमेंट पे आके मैं आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, ये मेरी बच्ची है, तो आप लोग मेरी मदद करिए भाई भाई बहन जो भी है, आप लोग मेरी मदद करें तो आप लोगों की भी अल्लाह ताला की तरफ से भी गैब से मदद करेंगे। बस ये गुजारिश है कि मेरे शोहर के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए, उनके पैरों पे खड़े होना चाहिए बस, और मेरे शोहर का सहारा है मेरे को बस, और कुछ भी नहीं, बस उन्होंने हमारे सर पे हाथ रखे तो बस यार। मैं ये छोटे कमरे में रहती हूँ 5 साल से हूँ यहाँ, और मेरे शोहर कमा नहीं सक रहे, इसलिए हम लोग ये छोटे रूम में, पहले किराए के घर में थे, अब यहाँ पर छोटे से रूम में हूँ मैं, और क्या समझ, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरी मदद करिए। मेरे बच्चे स्कूलों को भी नहीं जा रहे तीनों, बस मेरे शोहर के लिए 15 दिन से पैसे भी नहीं है मेरे कन गोलियाँ लाने के वास्ते, उनकी तबीयत भी ख़राब हो रही, मेरे शोहर की अभी भी उन्होंने चक्कर आ रही, बात भी सही करने नहीं आ रहा मेरे शोहर, बस मेरी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। अब उनका जल्द से जल्द डॉक्टर ऑपरेशन भी कराओ बोले, मेरे खन पैसे उतने नहीं है, बस 5 लाख बोल रहे हैं, आप लोग किधर से, ज़रा कोशिश करिए मेरे शोहर के वास्ते।